press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेहरूवाद पर, और नेहरूवाद का जो हमारा संदर्भ है वो हमने लिया है श्री सीताराम गोयल जी की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक, अति प्रसिद्ध पुस्तक, उसका नाम है जेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ नेहरूइज्म। और हमारे साथ अभी शंकर शरण जी जुड़ चुके हैं और कॉनराड जी जुड़ने वाले हैं, तो जुड़ेंगे। तब तक हम शंकर शरण जी के पास ही चलते हैं। शंकर शरण जी, ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तक है जी सीताराम गोयल जी की, अति प्रसिद्ध पुस्तक है, अगर नेहरू जी के बारे में किसी को जानना है कुछ भी थोड़ा सा भी, तो वो इसमें जा सकते हैं। इसका जो पहला प्रीफेस है वो फिलिप्स प्रैट द्वारा लिखा गया है, जो स्वयं एक कम्युनिस्ट थे और बाद में फिर वे कम्युनिस्ट से, जब कम्युनिज्म से दूर आए तब उन्होंने बहुत सारे भेदों का पर्दाफाश किया। तो जरा इसका बैकग्राउंड बताएं, इस पुस्तक के लेखन का थोड़ा सा पहले हमें जो बैकग्राउंड है। धन्यवाद संजय जी, इसका बैकग्राउंड बहुत रोचक है और वो जानना इसलिए भी आवश्यक है कि ये पता चले कि ये जो पुस्तक हमारे सामने है इसके इसके लिखने से पहले कितना लंबा अनुभव और जानकारी सीताराम गोयल जी के पास थी और कितनी वो समृद्ध थी और कितना वो महत्व था, ये जानना बहुत ही रोचक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कम्युनिज्म के खिलाफ, कम्युनिज्म के बारे में देश को जागरूक करने के लिए उन्होंने, सीताराम गोयल ने 1949 से ही काम शुरू किया था और उसके लिए उन्होंने कलकत्ता में एक प्राची प्रकाशन बनाया था और उसने कई पुस्तकें लगातार प्रकाशित की। और मुझे लगता है, क्योंकि कम्युनिज्म मेरा विषय रहा है, मेरे ख्याल से ये विश्व स्तर पर सबसे पहले बड़े महत्वपूर्ण प्रयत्नों में से एक था कि जिस समय दुनिया में कम्युनिज्म एक आकर्षक रूप में उसका प्रचार हो रहा था, उस समय उसकी सच्चाई से लोगों को अवगत कराना, ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रयासों में से एक था। और इसकी जो पहली पुस्तक छपी थी वो रामस्वरूप की थी, रशियन इंपीरियलिज्म हाउ टू स्टॉप इट, और ये 1950 में छपी थी पहली पुस्तक जो प्रकाशित प्राची प्रकाशन द्वारा। और ये बड़ी रोचक है ये जानना कि इसको बहुत बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला था। इसकी जब कॉपियां मिली तो श्री अरविंद ने इसको आशीर्वाद दिया था। सरदार पटेल उस समय देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने स्पेशल आदमी भेजा और वो कलकत्ते में सीताराम गोयल के घर पर जाकर के उन्हें यह संदेश दिया, और मैं उद्धृत करता हूँ, ये इनकी किताब में है पृष्ठ 11 पर। सरदार पटेल ने यह मैसेज दिया सीताराम गोयल को, यदि आपके द्वारा आरंभ किया गया यह काम प्रोत्साहित और पढ़ाया नहीं गया तो किसी दिन भारतीय सेना को यह काम करना पड़ेगा। ये 1950 के समर में गृह मंत्री ने स्पेशल आदमी मैसेंजर भेज करके सीताराम गोयल को पहली पुस्तक पर यह संदेश दिया था। विश्व स्तर पर भी बर्ट्रंड रसेल और आर्थर क्वेसलर जैसे लोगों ने इस किताब की अनुशंसा की थी। फिर 1952 में सीताराम गोयल ने और रामस्वरूप ने एक SDFA बनाई, सोसाइटी फॉर डिफेंस ऑफ फ्रीडम इन एशिया, और ये कम्युनिज्म के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। और ये संस्था कुछ ही महीनों में एक पॉलिटिकल ओपोनेंट कहते हैं, जो अंडर कोट है इसमें पुस्तक में, मतलब जो वो खुद कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इसने पॉलिटिकल इंडिया के मैप पर एंटी कम्युनिज्म को ला दिया विद इन फ्यू मंथ्स, और देश के बाहर भी इसको नोट किया गया। उस समय कांग्रेस का AICC का जर्नल होता था AICC इकोनॉमिक रिव्यू, हर्षदेव मालवीय उसके एडिटर थे, उन्होंने इस प्राची प्रकाशन की इन सारी पुस्तकों की समीक्षा के नाम पर जाकर के SDFA और सीताराम गोयल को गालियां दी थी। विदेशों में इसको नोट किया गया, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का जो सर्वोच्च अखबार था प्रावदा, उसने इस पर एडिटोरियल लिखा अक्टूबर 5, 1952 में। फिर सोवियत सरकार का मुखपत्र था इज्वेस्तिया, उसने भी उसी महीने में इस पर एडिटोरियल लिखा और इसकी भर्त्सना की। और भारत में भी जितने सोवियत समर्थक अखबार थे, पत्रकार थे, उन लोगों ने भी इस पर लिखा। इतना ही नहीं, रशियन और चाइनीज एम्बेसीज ने भारत सरकार को
नोट भेजा प्रतिवाद भेजा कि हमारे देश की छवि खराब की जा रही है, क्योंकि इन प्रकाशनों को मुख्य रूप से सोवियत संघ और रशिया, ये चाइना के अंदर जो स्थिति थी उसके बारे में बताने पर केंद्रित था। तो इन दोनों एम्बेसीज ने प्रतिवाद किया। फिर संसद में स्वयं नेहरू जी ने, ये SDFA द्वारा एक तिब्बत दिवस मनाया गया था, मनाया जा रहा था 1953 में, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया SDFA, और वो भी उन्होंने लिखा है सीताराम गोयल ने अपने प्रीफेस में कि कितने भी प्रयासों के बाद ये नेहरू जी का और इतना जबरदस्त अभियान चला इसके खिलाफ, ये कम्युनिज्म के पक्ष में, कि धीरे धीरे वो कारण बताते हैं। तो ये मुश्किल से 52 से 55 दिसंबर तक ये चल पाया SDFA, लेकिन जितने दिन चला मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि संसद में नेहरू जी ने इसकी आयोजकों की भर्त्सना की, और ये 1 अगस्त 1953 की बात है कि क्यों तिब्बत मनस बनाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने यह नहीं दिखाया कि इन सारे प्रकाशनों में गलती क्या है, जो कम्युनिज्म के विरुद्ध ये प्राची प्रकाशन के जो ये प्रकाशन थे सीताराम गोयल के, इसकी गलतियां किसी ने नहीं दिखाई। सब लोग सिर्फ निंदा कर रहे थे, भर्त्सना कर रहे थे या गालियां दे रहे थे। यही नहीं, ये भी एक रोचक अध्याय है, जो लोग समझते हैं कि ये इंदिरा गांधी के समय में हाई हैंडेडनेस आई, जोर जबरदस्ती, उनको ये जान के आश्चर्य होगा कि स्वयं नेहरू जी ने, और यही सीताराम गोयल के प्रयत्नों के विरुद्ध, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के हथकंडे अपनाए, और उसका विवरण है इसमें कि SDFA के खिलाफ करके दिखाया। सीताराम गोयल को ये फार्मोसा में, उस समय जो चाइना, ये चीन में जब कम्युनिस्ट टेक ओवर हुआ तो जो एक हिस्सा बच गया जिसको आज ताइवान कहते हैं, वहाँ पर चाइना के राष्ट्रपति चले गए थे चियांग काई-शेक। तो चियांग काई-शेक ने एक पर्सनल लेटर भेज करके सीताराम गोयल को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया, और उसके लिए जब सीताराम गोयल जी ने पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया तो उनको पासपोर्ट नहीं दिया गया ताकि वो वहाँ नहीं जा सके। ये 1955 की बात है। एक फ्रैंकिंग मशीन ली थी इनके प्राची प्रकाशन ने, जो अपने सारे पोस्ट पर वो मुहर लगाते थे, उसमें लिखा हुआ था एक लाइन कि कम्युनिज्म हैज नथिंग टू लूज एक्सेप्ट द चेन्स और समथिंग लाइक दैट, कुछ मतलब कम्युनिज्म आपको देने के लिए उसके पास चेन के अलावा कुछ नहीं है। तो इस पर संसद में किसी कम्युनिस्ट एमपी ने सवाल उठाया कि ये दुष्प्रचार हो रहा है। एक लेफ्टिस्ट, एक कम्युनिस्ट अखबार ने फ्रंट पेज पर उसको छापा कि देखिए ये क्या छाप रहे हैं अपने। तो उसके बाद जा करके एक अधिकारी गया और इलीगली पोस्ट ऑफिस का, उन्होंने फ्रैंकिंग मशीन छीन ली कि आप ये नहीं कर सकते। ये 1953 की घटना है। कलकत्ता में एक बुक किताब प्रदर्शनी में प्राची प्रकाशन का स्टॉल पर बहुत लोकप्रिय हुआ था, और उसमें लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड सेल हुई थी। उस स्टॉल को 1954 में जबरदस्ती बंद करा दिया गया। ये बाकायदा इनका चल रहा था स्टॉल नियमित रूप से, और ये सरकार के लोग गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये बंद करना होगा। बंगाल की राज्य सरकार इनके पक्ष में थी, लेकिन उनका कुछ नहीं चला। उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रदर्शनी में इनका बुक स्टॉल बंद करा दिया गया। फिर दिल्ली में वो सम्मेलन करना चाहते थे SDFA का, सम्मेलन भवन देने से इनकार कर दिया गया, जो आज रफी मार्ग है, उस समय वो करजन रोड हुआ करता था। तो फिर फासिज्म किसे कहते हैं? पता नहीं, मैं तो सिर्फ उल्लेख कर रहा हूँ। यही नहीं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और बंबई के मुख्यमंत्री मुरारजी देसाई दोनों उस स्टॉल पर गए थे, और उन्होंने विजिटर्स बुक में इसकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की और अनुशंसा की कि ये पुस्तकें लोगों को, देश के लोगों को पढ़नी चाहिए, और उस स्टॉल को नेहरू जी की सरकार का आदमी आकर के उसने उसको बंद करवाया। यही नहीं, वो ये भी एक इंटरेस्टिंग पक्ष है कि सीताराम गोयल जी ने सभी गणमान्य लोगों को लिख करके ये काम शुरू किया था, और उसमें कांग्रेस के MPs भी थे और कांग्रेस के लीडर भी थे जो इनका इनको सहयोग दे रहे थे। तो नेहरू जी ने अपने जो कांग्रेस MPs थे उन सबको कहा कि इसके सम्मेलन में नहीं जाना है। यही नहीं, एक सम्मेलन पटियाला में होने वाला था, उसमें वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, वो पेप्सू कहलाता था, चौधरी रघुवीर सिंह, नेहरू जी ने कहा कि आप विड्रॉ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमको तो ऊपर से आदेश आ गया है। तो उन्होंने विड्रॉ किया। तो इस तरह से सम्मेलन में भाग लेने से अपने लोगों को रोका। तो इस तरह से कई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से नेहरू जी ने SDFA और प्राची प्रकाशन के क्रियाकलाप को बंद कराने की कोशिश की,
और मीडिया में जो इनके खिलाफ अभियान चला वो अलग है, जो लेफ्टिस्ट टाइप लोग थे। तो मैं ये बैकग्राउंड इसलिए कह रहा हूँ कि इस 12 वर्षों तक देश विदेश के राजनीतिक घटनाक्रम का, इनको के अवलोकन का लंबा अनुभव था सीताराम गोयल जी को, जब इन्होंने ये लेखमाला शुरू की 1961 में, जो ये किताब के रूप में आई। और तब तक ख्रुश्चेव रिपोर्ट भी आ गई थी सोवियत संघ में 1956, जिसमें सोवियत कम्युनिज्म का एक भयावह चित्र स्वयं सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता ने दिया था। तो उसके बाद फिर भारतीय हितों को जो गलत नेहरू जी की जो ये कम्युनिस्ट विदेश नीति थी और ये देश के अंदर नीति थी, उससे जो हानियां हुई उसका भी आकलन वो कर चुके थे और उस पर उन्होंने लेख भी लिखे थे। और मेरे ख्याल से वो दोनों लेख या तीनों लेख ऑर्गेनाइजर में ही छपे थे, ये जो संघ परिवार का वीकली था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये लेखमाला शुरू हुई, ये 1961 में शुरू हुई, जो कि पुस्तक है ये, और ये सबसे पहले ऑर्गेनाइजर में ये लेखमाला के रूप में छपनी शुरू हुई और इसकी 18 किस्तें छपी उसमें। हेलो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये लेखमाला छप रही थी उसी समय, मेरे ख्याल से ये सितंबर अक्टूबर में चीन का हमला हुआ, मेरे ख्याल से 16वीं या 17वीं किस्त के बाद, जब 17 किस्त इसकी छप चुकी थी तब चीन ने भारत पर हमला किया। और रोचक बात यह है कि उस समय पीएन अक्सर, नूरुल हसन और इंद्र कुमार गुजराल, हम जानते हैं कि पीएन अक्सर बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सचिव बने थे, नूरुल हसन शिक्षा मंत्री बने थे, और इंद्र कुमार गुजराल तो कैबिनेट मंत्री रहते हुए अंत में देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो इंद्र कुमार गुजराल ने सीताराम गोयल की गिरफ्तारी की मांग की कि ऐसा व्यक्ति जो सरकार के विरुद्ध लेख लिख रहा है ये कैसे बाहर घूम रहा है। और सच पूछिए तो ये जब उसमें उल्लेख भी है कि जब चीन का हमला हुआ तो सरकार द्वारा सीताराम गोयल को परेशान किया जाने लगा। उन्होंने लिखा है कि जैसे ही उत्तरी सीमा पर पहली गोलियां चली, मैंने पाया कि मैं कहीं भी जाऊं गुप्तचर विभाग का एक आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था। बल्कि उनकी गिरफ्तारी होने ही वाली थी, उनको एक मित्र ने इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम कभी भी गिरफ्तार हो सकते हो। लेकिन मजेदार बात है कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री और ये सारे वामपंथी सीताराम गोयल को अरेस्ट करना चाहते थे यही इन्हीं लेखों के लिए जो इस पुस्तक, जिससे ये पुस्तक बनी है। लेकिन दूसरी ओर गृह मंत्रालय, जिसके लाल बहादुर शास्त्री जिसके मंत्री थे, गृह मंत्रालय इसकी तैयारी कर रहा था कि अगर चाइना पूर्वी भारत पर कब्जा कर लेता है, और उस समय ये न्यूज़ में था और काफ़ी लोगों ने इस पर लिखा है, राज थापर की ऑल दीज ईयर्स में भी है कि कलकत्ता में लोग तैयारी करने लगे थे कि अब चीन का शासन होने वाला है तो अब हम लोग कैसे रहेंगे, मतलब वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे। तो इस स्थिति में पूर्वी भारत में गुरिल्ला युद्ध चलाया जाएगा चाइना के खिलाफ, इसकी तैयारी गृह मंत्रालय कर रहा था कि जब वो पूर्वी भारत पर चाइना कब्जा कर लेगा तो गुरिल्ला युद्ध चला जाएगा। और चूंकि सीताराम गोयल चीन के क्रिटिक हैं और वहां रह चुके हैं, इसलिए सीताराम गोयल का नाम उस लिस्ट में था, उन देशभक्तों की लिस्ट में था जो इस लड़ाई में सहयोग देंगे और ट्रेनिंग वगैरह देंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री और वामपंथी इनको अरेस्ट करना चाहते थे और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय इनको महत्वपूर्ण देशभक्त मान करके इनकी सेवाएं लेना चाहता था। तो इसलिए सिर्फ इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसका वर्णन भी इन्होंने दिया है कि एक दिन एक एमपी ने इनको फोन किया कि आप हमारे यहाँ आइए, गृह मंत्री के पास मिलने जाना है। फिर वहाँ गए थे सीताराम गोयल, लेकिन वो गृह मंत्री से मिलने नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा कि आप प्रधानमंत्री को तो छोड़ दे रहे हैं और बाकी सब क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो एनीवे, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी इन लेखों के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 16 किस्त हो गई थी ऑर्गेनाइजर में और ये बड़े उत्साहित थे, तो उसमें लेटर टू एडिटर में आ रहा था और एक आरएसएस के बड़े लीडर थे जिन्होंने उनको निमंत्रित करके लिखवाया था या लिखवा रहे थे, और वो बड़े उत्साहित थे और उन्होंने ये कहा कि भाई इन लेखों ने तो हमारे कार्यकर्ताओं में क्रांति कर दी है। लेकिन जब 16वीं किस्त के बाद, ये एकाकी नाम से लिख रहे थे, सीताराम गोयल अपने नाम से नहीं लिख रहे थे क्योंकि जहाँ वो काम करते थे, जॉब कर रहे थे, वहाँ पर बॉस ने कहा था कि तुम लिखोगे नहीं, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि बहुत थी। प्रधानमंत्री ही नहीं, कैबिनेट के कम से कम 5-6 मंत्री, नेहरू कैबिनेट के 5-6 मंत्री सीताराम गोयल को अच्छी तरह जानते थे।
तो इनकी कुख्याति थी कि प्रधानमंत्री इनसे नाराज रहते हैं, तो इनके बॉस ने कहा था तुम नहीं लिखोगे, तो इन्होंने पेन नेम से लिखा था वो एकाकी। लेकिन वो वाजपेयी उस समय वो बड़े लीडर धीरे धीरे हो चुके थे, तो उन्होंने पता किया कि ऑर्गेनाइजर में ये एकाकी नाम से कौन लिख रहा है। जब उनको पता चला तो उन्होंने एक दिन सीताराम गोयल को पकड़ा और ये कहा कि देश के नेता के बारे में क्या बकवास लिख रहे हो 16वीं किस्त के बाद। एनीवे फिर भी जो संपादक के आर मलकानी थे और एल के अडवाणी भी थे, असिस्टेंट एडिटर एल के अडवाणी थे, तो इनका वो लेख इनकी लेखमाला तब चलती रही। इनको लगा, इनको पूरा विश्वास था कि आरएसएस के बड़े व्यक्ति इनकी पीठ पर हैं, तो हम लिखते रहते हैं अभी जब तक मना नहीं किया गया है हमें, हम क्यों बंद करें। तो फिर जब दो और लेख छप गए 17वें 18वें, उसके बाद हाँ नेहरू वाजपेयी जी ने उनको अडवाणी के आर मलकानी को भी फटकारा कि उस बदनाम आदमी से कोई संबंध मत रखो, मतलब इसी तरह गोयल से। लेकिन उसके बाद जी के खास चेले थे वैसे वाजपेयी जी, मुझे ऐसा लगता है जी वाजपेयी जी नेहरू जी के खास चेले थे। हाँ वो नेहरू जी ने भी उनकी प्रशंसा की थी और ये भी उनकी प्रशंसक थे, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। बल्कि ये रिकॉर्डेड है कि नेहरू जी ने जब पहली बार इनसे मिले थे या देखा था वाजपेयी को, तो कहा था कि ये कभी प्रधानमंत्री बनेगा या इसको बनना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि नेहरू जी के प्रति और गदगद हो गए होंगे वाजपेयी जी यंग लीडर के रूप में। जो भी हो, लेकिन जब 16वां उसके बाद वो लिखते हैं, सीताराम गोयल खुद वर्णन करते हैं कि मेरा 16वां लेख तब तुरंत ही प्रकाशित हुआ था। मैं अब अंडरकोट बोल रहा हूँ, अगर टाइम हो तो एक मिनट। हाँ हाँ आराम से, अभी तो कॉनराड जी भी नहीं आ पाए, आप बोलिए। हाँ तो वो उसका इस पूरे प्रसंग का उल्लेख उन्होंने अपने जीवन कथा में लिखा है, वो जिसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले ही बार, हाउ आई बिकेम ए हिंदू। मैं उसी का वो अंश पढ़ रहा हूँ, कैसे ये लेखमाला अब्रप्टली बंद हुई, वरना ये पुस्तक शायद और मोटी होती। तो अब मैं आगे में सीताराम गोयल के शब्दों में बोल रहा हूँ कि वाजपेयी से वो झड़प होने के बाद, लेकिन मैंने परवाह नहीं की जब तक कि मुझे उन आरएसएस नेता का समर्थन हासिल था जिनसे मेरी भेंट हर सप्ताह होती थी। मेरा 16वां लेख तब तुरंत प्रकाशित ही हुआ था। आरएसएस नेता ने मुझे कहा कि मैं लिखता जाऊं तब तक जब तक कि मैं वर्तमान स्थिति में नेहरू की नीति तक न पहुंच जाऊं। अभी तक वो बैकग्राउंडर दे रहे थे कि अभी तक 10 सालों में उनकी क्या नीतियां रही हैं। और उसने यह भी कहा, मतलब आरएसएस के उस बड़े नेता ने, कि मेरे उन लेखों ने हमारे लोगों के चिंतन में एक क्रांति कर दी है और वे उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं। जैसे ही वह लेखमाला पूरी हो जाए वे भारत की सभी भाषाओं में लाखों की संख्या में उसे उपलब्ध करवाएंगे। मैं अपने काम से बड़ा संतुष्ट हुआ। मेरा 17वां लेख प्रेस में जा चुका था और अब मैं नेहरू की चीन नीति पर लिखने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे भाग्य में उस लेखमाला को पूरा करना नहीं लिखा था। अगले सप्ताह जब मैं आरएसएस नेता से मिला, मैंने उससे ठीक उल्टा सुना जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। जैसे ही मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया, उन्होंने रूखे और नपे नपाए स्वर में कहा, सीताराम जी आपको नेहरू के सिवा कोई काम नहीं है? आखिर नेहरू ने ऐसा क्या कर दिया है? आखिर नेहरू ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए? मैं अवाक रह गया। मैं कुछ समझ न सका कि मैं क्या कहूं। संयोगवश ऑर्गेनाइजर के संपादक ठीक उसी समय कमरे में आए। नेता उस पर भी भड़के, यह क्या नेहरू नेहरू लगा रखा है अपने पेपर का? यह क्या बना डाला तुमने? बंद करो यह नेहरू नेहरू, क्या कोई और टॉपिक नहीं बचा? संपादक ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह आरएसएस के अनुशासन में बंधा था। मैं मानो आकाश से गिरा। मेरे लिए विश्वास करना कठिन था कि मेरे सामने बैठा इस कड़े मुंह और अमैत्रीपूर्ण आंखों वाला आदमी वही है जिसने बस एक सप्ताह पहले मेरी लेखमाला की उतनी प्रशंसा की थी, मगर वही कड़वा सच था। ये अब मैं उद्धरण बंद करता हूं। तो इस प्रकार वो सीरीज 19वें लेख के बाद बंद हो गई, मतलब दिवाली, शायद वो दिवाली अंक था 1961 का ऑर्गेनाइजर का, जिसमें ये आखिरी किस्त छपी थी जो इस पुस्तक का आखिरी चैप्टर है, और उसके बाद वो बंद हो गई। लेकिन उस लेखमाला की प्रसिद्धि इतनी हुई
कि फ्रांस में एक व्यक्ति ने संपर्क किया कि हम उसे फ्रांसीसी में पब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ तेलुगु में उसकी समानांतर अनुवाद करके किसी अखबार में वो लेखमाला छप रही थी और पूरे देश में उसको पॉलिटिकल सर्कल्स में उसकी काफ़ी चर्चा थी और ये बार बार डिमांड आ रही थी कि उसको पुस्तक के रूप में उसको प्रकाशित कीजिए। तो उस समय तो वो ऑर्गेनाइजर और आरएसएस नेता ने हाथ ही खड़े कर दिए। तो इनके ये मित्र थे भारतीय साहित्य सदन गुरुदत्त जी, उनका वो उनकी वो पुस्तक शॉप थी उस समय कनॉट प्लेस में थी और पब्लिशिंग भी वो करते थे। तो उन्होंने उस पुस्तक को छापा। तो पहला संस्करण जो इसका ये छपा था वो 1963 में और उसमें उसका शीर्षक था इन डिफेंस ऑफ कॉमरेड कृष्ण मेनन। बल्कि मेरे पास उन्होंने उसकी वो भी लगाई है इस पुस्तक में, मैं उसको दिखा रहा हूँ, इन डिफेंस ऑफ कॉमरेड कृष्ण मेनन। इसका कारण ये था कि नेहरू जी की तमाम नीतियों के बारे में जब यह दिखाई पड़ने लगा कि वो कितने बड़े बेवकूफ बने चाइना के हाथों और अपने कम्युनिज्म प्रेम में, और वो एक अलग कथा है और बड़ी दारुण है कि चीन को मदद पहुंचाने के लिए इनको भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ऑफर की जा रही थी दोनों के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी और यूएसएसआर भी, दोनों चाहते थे कि जो चाइना वाला जो सीट है परमानेंट सीट वो इंडिया को दे दिया जाए क्योंकि वो कम्युनिस्ट चाइना को नहीं देना चाह रहे थे, यूएसएसआर भी नहीं देना चाहता था और यूएसए भी नहीं देना चाहता था। तो इन लोगों ने, मतलब यूएसएसआर ने और यूएसए ने, लगभग 1.5 सालों तक भारत को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप हमारे मेंबर हो जाइए, आप सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ले लीजिए। बल्कि विजय लक्ष्मी पंडित थी वहाँ उस समय यूएसए में राजदूत, उन्होंने एक बार इन्फॉर्म किया कि अमेरिकन ये फॉरेन मिनिस्टर ने, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, वो प्रक्रिया शुरू कर दी है टू मेक इंडिया परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। नेहरू जी ने बहुत कड़ा पत्र लिखा कि भारत इसका विरोध करता है, भारत जब तक चाइना को उसका हिस्सा नहीं मिले तब तक भारत ऐसा नहीं करेगा, ये दगाबाजी होगी और ये बड़ा अनुचित है वगैरह वगैरह। तो इतनी उत्साहपूर्वक कम्युनिज्म का सपोर्ट करने और चाइना और सोवियत यूनियन का खास करके, उसके बाद जब ये दिखने लगा कि चाइना ने बैक स्टैबिंग की है, ना केवल तिब्बत पर कब्जा कर लिया बल्कि लद्दाख में घुस करके हड़प लिया, तब जब नेहरू जी की भर्त्सना होने लगी तब ये स्केप कोट बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर को। उन्हीं के बचाव में इन्होंने पहला लेख लिखा था इन डिफेंस ऑफ कॉमरेड कृष्ण मेनन, जिसमें सीताराम गोयल की लाइन ये थी कि आप बेचारे स्टाफ को क्यों बकरा बना रहे हो, इस नीति के निर्माता तो स्वयं पंडित नेहरू हैं। और उसी सिलसिले में उन्होंने सिस्टमेटिक रूप से पिछले 12 सालों का, बल्कि और भी पहले से, वो 1927 में जब वो रशिया गए थे नेहरू जी, तो वहीं से तभी से वो कम्युनिस्ट और इंटरनेशनलिस्ट हो गए थे। तो उन्होंने बहुत विस्तार से इसको रखा कि किस तरह से नेहरू जी ही इस पूरी भयानक जो भारत की नीति रही और इतना बड़ा मिस्टेक हुआ तिब्बत पर और भारत के अपने हितों पर और कम्युनिज्म के चरित्र पर, इस पर इसके इसको प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लेखमाला लिखी थी। और जब ये इस पुस्तक का जब दूसरा संस्करण आया, ये 1993 में, तो उन्होंने इसके दूसरे संस्करण की भूमिका लिखते हुए उस बीच जितनी घटना घटी 63 से लेकर 93 तक बीच 30 सालों का भी उन्होंने आकलन किया है। और यही नहीं, उसमें फिर नेहरू जी के सेलेक्टेड वर्क्स प्रकाशित हुए तो उनको और भी सब मटेरियल मिला, कृष्ण मेनन को लिखे हुए लेटर, एडविना माउंट बेटन को लिखा हुआ लेटर, पद्मजा नायडू को लिखे हुए लेटर्स। और इसको पढ़ करके और बाकी सब चीज़ों को देख करके फिर सीताराम गोयल जी ने अपने आप को रिवाइज किया कि नहीं, नेहरू जी कम्युनिस्ट सपोर्टर नहीं थे, नेहरू जी स्वयं पक्के कम्युनिस्ट थे और इसीलिए जो उनकी नीतियाँ थी और जो भारत की जो इससे हानि हुई और भारत में जितनी बुरी परंपराएं बनी, बाकी सब कुछ हद तक तो इस सेकंड प्रीफेस में भी है और बाकी इस पुस्तक में है। तो पुस्तक की चर्चा से पहले मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बताना उचित समझता था कि हमारे श्रोताओं को और लोगों को ये ठीक ठीक पता रहे कि सीताराम गोयल जी की ये लेखमाला या ये पुस्तक जो बाद में आई, इसके पीछे कितना गंभीर अध्ययन, प्रयत्न और अवलोकन और प्रमाणिक तथ्य थे
जिसके आधार पर यह पुस्तक लिखी गई थी, और मुझे लगता है कि आज भी यह नेहरू जी के और नेहरूवाद के मूल्यांकन पर अनसरपास्ड बुक है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो भी मैंने इसको अभी मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने इसको प्रारंभ भी किया है पुस्तक में, और जो सबसे पहले जो सबसे इसका रोचक पहलू यह है कि जो इसका फॉरवर्ड है वो स्वयं एक कोमिंटर्न के एजेंट ने, यानी फिलिप स्प्रैट यहाँ आया था 1926 में कोमिंटर्न के एजेंट के रूप में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सुस्थापना कर रहे, और वो बाद में फिर बदल जाता है, और वो जो है वो इसका फॉरवर्ड लिखता है। तो ये जो है ये भी एक बहुत ही रोचक एक इसका पहलू है, इसके बारे में भी कुछ चर्चा करें। कॉनराड जी जो हैं उनके साथ पता नहीं आज क्या कोई टेक्निकल इशू हो गया, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन तब तक आप इस पर अपना विचार लें। नहीं, मुझे लगता है कि फिलिप स्प्रैट सिर्फ कॉमिंटर्न के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर ही नहीं थे, वो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, वो कॉमिंटर्न के द्वारा भेजे गए थे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने के लिए, और बाद में जब उनका कम्युनिज्म से मोह भंग हुआ तो वो शायद भारत में ही रह गए, बंगलोर में रहते थे, और उन्होंने ये जैसा मैंने उल्लेख किया वो प्राची प्रकाशन और SDFA के क्रियाकलापों को काफ़ी सहयोग भी दिया, और इसीलिए मुझे लगता है कि जब ये पहली बार छपी थी तो उसका प्रीफेस उन्होंने लिखा था, और उसमें कुछ वो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जैसे यही कि वो भी समझते थे कि नेहरू जी स्वयं सिर्फ कम्युनिस्टों के सपोर्टर थे, क्योंकि दो तरह के लोग हैं कम्युनिज्म के, मतलब अब तो सारा रूप बदल गया, लेकिन जब तक कम्युनिज्म था वर्ल्ड पावर के रूप में, तब तक दो तरह के लोग थे, एक थे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर और एक थे प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल्स सपोर्टर्स लीडर्स। तो नेहरू जी को बहुत लोग समझते थे कि ये दूसरे प्रकार के हैं, फेलो ट्रेवलर्स जिनको कहते हैं, लेकिन ये फिलिप स्प्रैट ने इसमें लिखा है अपने प्रीफेस में कि नहीं, बाद में नेहरू जी की सारी जो नीतियाँ थी और जो वक्तव्य थे और जो लेखन उनका था उससे यह साफ दिखता है कि वो स्वयं पक्के कम्युनिस्ट हो चुके थे। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ का उल्लेख करते हैं फिलिप स्प्रैट कि ये जो करप्शन को हल्के से लेना, भ्रष्टाचार को हल्के से लेना, ये कम्युनिस्ट एटीट्यूड है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट मानता ये है कि बुर्जुआ व्यवस्था में तो करप्शन रहेगा ही, इस पर क्या माथापच्ची करना, इसलिए अगर थोड़ा बहुत ये करप्शन है तो इसको रोका नहीं जा सकता है, इसलिए इस पर माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। और फिलिप स्प्रेड दो चीज़ का उल्लेख करते हैं, एक तो ये कि पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में 1955 में ही ये सवाल उठा था कि जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है इसको रशिया से भी पैसा आता है और चाइना से भी पैसा आता है, और दोनों इलीगल वे में, और ये जब संसद में उठा इसके बाद भी नेहरू जी ने कोई इस पर चेक नहीं लगाया, और फिलिप स्प्रैट कहते हैं कि दुनिया का कोई शासक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके देश में कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि जिसका घोषित उद्देश्य है तख्ता पलट करके कम्युनिस्ट शासन बनाना और सारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को विध्वंस कर देना, ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी को विदेशों से, ये कम्युनिस्ट देशों से अवैध धन लेने की मंजूरी दुनिया का कोई शासक नहीं देगा। नेहरू जी इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो खुद चाहते थे कि भारत में कम्युनिस्ट शासन हो। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है, मेरे ख्याल से या तो स्प्रैट ने या सीताराम गोयल ने अपने प्रीफेस में लिखा है कि ये तो जो चाइना ने जो तमाचा लगाया पहले लद्दाख में घुसपैठ करके और फिर 62 में हमला करके, नहीं तो नेहरू जी प्लेट पर भारत को पेश कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट माफिया को, सीताराम गोयल वर्ड इस्तेमाल करते हैं कम्युनिस्ट माफिया, और वो चाहते थे कि ये भारत में कम्युनिस्ट शासन आ जाए। और इसके रोचक उल्लेख हैं इसमें भी, इस पुस्तक में भी, कि 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह करके सत्ता पर कब्जा करने का नारा दिया और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बम्बई में, बहुत जगह हथियार उठा करके सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, तो ये सरदार पटेल थे उस समय गृह मंत्री, नेहरू जी नहीं चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने उस कम्युनिस्ट विद्रोह, ये सशस्त्र विद्रोह को रोका और सारे कम्युनिस्टों को पकड़ के बंद किया, और नेहरू जी उनके प्रति नरमी रखना चाह रहे थे,
बल्कि जैसे ही सरदार पटेल का देहांत हुआ, उन्होंने सारे कम्युनिस्ट लीडरों को छोड़ दिया, छोड़ ही नहीं दिया, उनका सम्मान से उल्लेख किया नेहरू जी ने। और पूरे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी को और लेफ्टिज्म को जो इतना सम्मान मिला बाद में, उसका कारण वही था कि पटेल के बाद उनके हाथ खुल गए। और यह भी एक रोचक है अध्याय कि अगर सरदार पटेल का देहांत नहीं होता तो नेहरू जी इतने अकेले पड़ गए थे कांग्रेस में कि वो कांग्रेस छोड़ के एक अलग पार्टी बनाना चाह रहे थे, क्योंकि उनका कैंडिडेट कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव में हार गया था जेवी कृपलानी से। तो फिर रफी अभी क्या डेमोक्रेटिक फ्रंट या करके कुछ बनाया था, लेकिन संयोग से दुर्भाग्य से दिसंबर में 50 में इनका देहांत हो गया पटेल का, तो नेहरू जी ने वही इरादा त्याग दिया, वो फ्रंट भी भंग हो गया जिसको वो बनाना चाह रहे थे, मतलब पार्टी छोड़ करके उसमें जा सकते थे, ऐसी चर्चा होने लगी थी। सुनो तो यहाँ एक आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा ये कम्युनिज्म वाले अध्याय, ये फिलिप स्प्रैट वाले अध्याय में, कि कृष्ण मेनन उस समय लंदन में भारत के राजदूत थे। और रोचक बात यह है कि वो भारत सरकार के खिलाफ बोला करते थे, जब ये कम्युनिस्ट विद्रोह हुआ तो उन्होंने गृह मंत्री के खिलाफ बयान दिया, मतलब भारत का राजदूत लंदन में भारत के गृह मंत्री के खिलाफ बयान दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो मॉस्को के आदमी माने जाते थे, लेकिन नेहरू जी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इतना ज्यादा स्प्रेड कहते हैं और सीताराम गोयल कहते हैं कि इतना ज्यादा कम्युनिज्म से नेहरू जी जुड़ चुके थे, वो स्वयं चाहते थे कि भारत में कम्युनिस्ट क्रांति हो जाए। और ये बल्कि वो अपने पार्टी पर भी सिर ठोकते हैं कि हमारी पार्टी तो बड़ी ढीली ढाली है, माओ को कैडर कितना अच्छा मिला हुआ है, अगर हमारी पार्टी में भी ऐसा होता कितना आसान होता वगैरह वगैरह। इसी से मैं आगे चलता हूँ। ये कृष्ण मेनन के साथ जो इनका एक एक जिसको कहते हैं अप्राकृतिक मोह था, उसके बारे में काफी लिखा है, पहला चैप्टर ही उनके बारे में, कि लोग जो है वो 1965 का जो हमारी जो हार हुई बुरी तरह से, एक जिसको कहते हैं कि पूरी हमारी देश की साख ही समाप्त हो गई, उसके लिए बड़ी आसानी से आज कल के जो इतिहासकार हैं, जो चाटुकार इतिहासकार हैं, वो बड़ी आसानी से कृष्ण मेनन के माथे ये दोष मढ़ देते हैं। ये कितना उचित होगा? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल उचित नहीं है। अगर चूंकि मैंने भी कम्युनिज्म के इतिहास पर काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं और जो सोवियत पैम्फलेट्स वगैरह मैंने सैकड़ों पढ़े हैं उस ज़माने के 1970s और 80s के, बल्कि अंत तक सोवियत विघटन तक, और नेहरू जी की जो ये तीनों पुस्तक है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और फिर एक लेटर वाली जो तीन पुस्तकें हैं जिसका ये उल्लेख भी है इस पुस्तक में अलग अलग अध्यायों में, उसमें जिस तरह के तर्क नेहरू जी देते हैं और जिन जिन विषयों को उठाते हैं और पार्लियामेंट में भी जो उनके भाषण है, वो हूबहू मुझे वो सोवियत पैम्फलेट वाली भाषा और शब्दावली लगती है, मिलती जुलती है। तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है जो सीताराम गोयल जी ने भी लिखा है कि नेहरू जी पक्के कम्युनिस्ट की तरह सोवियत संघ का और लाल चीन का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बचाव करते थे, और देश के अंदर भी उन्होंने जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने की जो की घोषणा की थी उसमें भी वो उन्हीं की हूबहू नकल कर रहे थे, अर्थव्यवस्था में भी और ये राजनीतिक तंत्र में भी, सब जगह सारी चीज़ें सरकार करेगी और राज्य का विस्तार होता जाएगा और दूसरे लोगों को जो कम्युनिज्म के आलोचक हैं उनको नहीं बोलने दिया जाएगा, और ये सोवियत और चाइनीज डेलीगेशन बार बार आ रहे थे और उनका उनके जो उनका जो पब्लिक प्रचार साहित्य है वो सरकार भारत में सरकारी प्रचार साहित्य के रूप में सरकारी साहित्य के रूप में वितरित होता था, बल्कि वही शिक्षा में जा रहा था, वही मीडिया में जा रहा था, और जो उस तरह के जो कम्युनिस्ट सपोर्टर थे वो उनको मीडिया में या एकेडमिक संस्थानों में बड़े पद दिए जा रहे थे, और जो आलोचक थे उनकी निंदा की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कृष्णा मेनन की तो कोई हस्ती नहीं थी, वो तो बेचारे अपने पल पर शायद लोकसभा का चुनाव भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन तब यह है कि वो नेहरू जी के बहुत पुराने असिस्टेंट थे, प्री इंडिपेंडेंस से पहले भी वो यूरोप में नेहरू जी की किताबें वगैरह छपवाना, उनका प्रचार करना, ये सब काम वो कृष्णा मेनन किया करते थे। तो एक तरह के
शंकर शरण जी की भी आवाज आनी बंद। 1927 से ही जब वो रशिया में कुछ दिन रह करके आए थे नेहरू जी, तो वहां पता नहीं क्या घटा कुछ ही दिनों में कि वो पक्के इंटरनेशनलिस्ट हो गए, मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनलिस्ट। और वो कांग्रेस पार्टी में, जिस समय मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ 1930s में 40s में, वो तरह तरह के इंटरनेशनल रिजोल्यूशन बना बना करके दिया करते थे। और उन्होंने कांग्रेस में एक विदेश विभाग बनवाया था जिसके इंचार्ज दो कम्युनिस्ट थे, एक जेडे अहमद और एक और शायद सज्जाद जहीर या कोई और। तो वो लोग जो सोवियत यूनियन जो जो भी चाहता था या जहाँ जहाँ भी सोवियत यूनियन का मामला था उससे संबंधित वो प्रस्ताव लाते थे और वो प्रस्ताव पास हो जाते थे। और ये पटेल ने भी लिखा है और गांधी जी ने भी शायद कहा है कि वो बिना विचारे पास हो जाते थे, क्योंकि वो समझा जाता है कि ये तो फालतू चीज है, लेकिन नेहरू जी उसको बहुत इंपॉर्टेंट देते थे तो वो प्रस्ताव कांग्रेस के सम्मेलनों में पास होते थे। लेकिन चूंकि कांग्रेस के सम्मेलन में पास होते थे इसलिए सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट उसका दुनिया में खूब प्रचार करते थे कि भारत में जो सबसे बड़ा जनता का संगठन है उसने ये कहा है, तो सोवियत प्रोपेगेंडा के लिए वो बहुत बढ़िया मटेरियल हो जाता था। और नेहरू जी इसी बहाने वो इंटरनेशनल लीडर हो रहे थे, इंटरनेशनल प्रोग्रेसिव लीडर। तो ये एक पूरा बैकग्राउंड था जिसमें नेहरू जी कृष्णा मेनन के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। तो नेहरू में कृष्णा मेनन उनके बड़े पक्के और पुराने सहयोगी थे, और चूंकि वो स्वयं कम्युनिस्ट थे इसलिए जैसा मैंने कहा कि वो भारत के गृह मंत्री के खिलाफ बयान देकर के भी पद पर रह सकते थे, तो इसी से समझा जा सकता है कि वो उन पर नेहरू जी का हाथ था, वो अकेले खुद कुछ नहीं थे। न केवल नेहरू जी का हाथ था बल्कि उसमें जो लिखा है राम गोयल जी ने विशेष रूप से कि यदि आप लोग कहते थे कि भाई ये इनको मिसगाइड कर रहा है कृष्ण मेनन, या फिर कहते थे कि वो नेहरू जी जो है उसको हटा नहीं पा रहे हैं, तो दोनों ही तरह से ऐसा पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जा सकता था जैसे कि नेहरू जी असहाय हैं, जबकि ऐसा था नहीं। तो सीताराम जी उसमें लिखते हैं कि ये केवल इसलिए था कि सबसे अधिक निकटता उन लोगों में होती है जो विचारों से जुड़े होते हैं, और उस पर फिर वो पूरा निष्कर्ष निकालते हैं कि ये दोनों विचारों से जुड़े हुए थे, दोनों ही कम्युनिस्ट थे, और इसी कारण वे कृष्ण मेनन को नहीं हटा रहे थे। बल्कि 1962 के बाद भी एक बार तो वो हिचकिचा रहे थे, 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद भी एक बार वो हिचकिचा रहे थे, जनरल बीएम कॉल और कृष्ण मेनन दोनों को हटाना। मैं इसी से जुड़ा एक और प्रश्न जो मुझे कई बार आंदोलित करता रहता है, वो प्रश्न ये है कि इतना सब होने के बाद और अच्छी तरह से सबको 1927 से पता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू के कारण ही कांग्रेस छोड़ी एक तरह से, और उसके पश्चात भी ऐसा क्या था कि गांधी जी ने एक पूरी प्रजातांत्रिक परंपरा को ध्वस्त करते हुए पटेल को छोड़ के, जिनके साथ लगभग सभी थे एक मत थे जिनके नेतृत्व के प्रति, उनको हटा के इस ब्राउन साहब को चुन लिया, कम्युनिस्ट ब्राउन साहब को? तो बड़ा नाजुक प्रश्न है, लेकिन जहां तक मैंने अध्ययन किया है मुझे लगता है कि इसमें दो या तीन कारण थे। एक तो नेहरू जी के प्रति उनकी एक निजी कमजोरी थी, और ये उन्होंने कहा भी है, और मुझे डेट तक याद है क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे बड़ा शॉक लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, जब सहमति बन गई माउंटबेटन जिन्ना नेहरू और पटेल में कि ठीक है पार्टीशन होगा, ये 47 की बात है, मार्च 1947 तक पार्टीशन होगा ये देश में किसी को विश्वास नहीं था, इसको लोग मजाक समझते थे मार्च 1947 तक। लेकिन जब ये माउंटबेटन आए और उन्होंने फटाफट इस काम को निपटाने का सोचा, तो यही उनको लगा कि ये पार्टीशन कर दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो जब ये तय हो गया नेहरू पटेल माउंटबेटन और जिन्ना के बीच की पार्टीशन होगा, तो इसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास होना था। अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास नहीं होता तो पार्टीशन फिर भी नहीं होता। तो ये मीटिंग हुई थी 14 जून 1947 को, और नेहरू ये गांधी जी उसके मेंबर भी नहीं थे, बल्कि वो तो कांग्रेस के भी मेंबर नहीं थे। तो देवदास गांधी ने उसी दिन उनको कॉर्नर किया कि आप क्यों जा रहे हैं उसमें मीटिंग में, आप तो उसके मेंबर भी नहीं है,
और आप अगर नहीं जाएंगे तो ये विभाजन के पाप से आप बच जाएंगे, मतलब आपके माथे पर नहीं आएगा। तो उसका जो जवाब दिया वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। मैंने उसको चेक किया, मुझे आज तक वो डेट याद है, 14 जून 1947, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, और देवदास गांधी को नेहरू, ये गांधी जी कहते हैं अपने इंटेलेक्चुअल बेटे को, और मैं कोट कर रहा हूं, मुझे स्मरण है पूरी पंक्ति, कि अगर मैं नहीं गया तो नेहरू का दिल टूट जाएगा, उसने मुझे अपने प्रेम का बंदी बना लिया है। आप नोट कीजिए क्वेश्चन क्या है, आप देखिए नोट कीजिए क्वेश्चन क्या है, देश का विभाजन होने वाला है, विभाजन स्वीकार हो या ना हो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये डिसाइड करने वाली है, जिसमें ओवरवेलमिंग मेजोरिटी विभाजन के विरोध में है, और वहां गांधी जी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो नेहरू के प्रेम में बंदी है। इसमें थोड़ी बहुत अतिरंजना भी हो, जिसकी उम्मीद मुझे कम ही लगती है, क्योंकि देवदास गांधी इंटेलेक्चुअल थे और क्वेश्चन सीरियस था, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, लेकिन मुझे ये पहले से भी लगता है और बाद में भी मुझे महसूस हुआ कि नेहरू जी के प्रति उनकी जो कमजोरी थी वो एक कारण था उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए सेलेक्ट करने का। लेकिन दूसरा भी एक कारण मुझे मिला, जो मुझे लगता है कि कोनराड ने भी अपनी एक पुस्तक में लिखा है, वो राधा राजन की एक किताब का रिव्यू लिख रहे हैं, वो किताब है द आर्गुमेंटेटिव हिंदू, कोनराड एल्स की किताब, वही बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। उसमें राधा राजन की किसी पुस्तक की रिव्यू करते हुए उसमें वो कमेंट करते हैं, क्योंकि मूल चीज राधा राजन की ही है, उसमें कमेंट करते हैं कि ये पटेल ने जो गांधी जी के वो ब्रह्मचर्य प्रयोग चल रहे थे, वो कुंवारी लड़कियों को नंगे सुलाने वाला, वो कई सालों से उनका उचलता था और वो उस समय भी चल रहा था 1946-47 में भी, नोआखाली भी गए थे तो उनके साथ वो दो मनु गांधी थी और वो अमतुस सलाम थी, बल्कि उन दोनों में आपस में तकरार भी थी इसीलिए कि गांधी जी के निकट कौन रहे वगैरह वगैरह। तो उसको लेकर के ये उस समय बात ये गुप्त थी, छिपी हुई थी, हालांकि नोआखाली में कुछ बात बाहर आ गई थी। तो पटेल ने, विनोबा भावे ने और बहुत सारे लोगों ने, बहुत गांधी जी के और देवदास गांधी ने बहुत गांधी जी की कटु शब्दों में भर्त्सना की थी, और पटेल के शब्द ये थे कि गांधी जी जिसको धर्म कह रहे हैं वास्तव में वो अधर्म है, वो जो प्रयोग कर रहे हैं उन लड़कियों के साथ, उसको नंगे सुला करके अपने साथ, वो अधर्म है, गांधी जी उसको ब्रह्मचर्य प्रयोग कहते थे। मुझे राधा राजन का कहना है कि ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि वो इस बात पर बहुत खफा होते थे, और ये मैंने भी पाया है कि अपना विरोध करने वाले निकट के लोगों के प्रति गांधी जी क्षमाशील नहीं थे, वो बहुत ही भीतर से कठोर होते थे और उसको बुरा भला कहते थे अगर वो छोटा आदमी है तो, और बड़ा अगर आदमी है तो उसके प्रति वो मधुर रहते थे। तो ये और भी लोगों ने नोट किया है कि जो इम्पोर्टेंट पुलिस हैं उसके प्रति गांधी जी काइंड रहते थे, और जो उनके छोटे समर्थक थे जिनके सोशल स्टेचर कमजोर था उसको बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि लोली किस्म के भाषा में उसको चिट्ठियां लिखते थे, ये मैंने भी पाया है। तो एक तो मुझे ये भी लगता है कि वो पटेल से खफा थे इस बात को लेकर। मैंने कोनराड से पूछा भी था कि भाई ये क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि गांधी जी के नेचर में ये था। लेकिन एक और चीज़ है जो मुझे लगती है कि वो भी एक कारण है कि समाह उनको लगता था कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण है, कम्युनिज्म का बोलबाला है और ये लेफ्टिस्ट है और यूरोपियन भी है, तो उसमें शायद पटेल की तुलना में यही बेहतर हो, हो सकता है ये भी एक कारण, लेकिन मैं कह नहीं सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि ब्रिटिश के प्रभाव में क्या, क्योंकि ब्रिटिश भी नेहरू के बहुत नजदीक थे, या उल्टा नेहरू उनके बहुत नजदीक थे? नहीं, वो दोनों थे, वो तो माउंटबेटन वाले प्रसंग में ही मालूम है, वो बड़ा भयानक प्रसंग है, बल्कि पार्टीशन में उसका एक बड़ा रोल था। जब माउंटबेटन आ रहे थे तो माउंटबेटन भी सोशलिस्ट थे पुराने, तो नेहरू जी ने ये कमेंट किया कि अरे उनके आने से बड़ी खुशी होगी, ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं ये सब देसी, मतलब क्या कहें, वो कचरा किस्म के लोग, उसके बीच ये फर्स्ट क्लास सोशलिस्ट जेंटलमैन कितना बढ़िया रहेगा उसके साथ। तो उनके साथ उनकी काफ़ी पट गई थी माउंटबेटन के साथ, तो हो सकता है इसका भी एक, यह भी एक कारण हो कि माउंटबेटन और अंग्रेज उनको पसंद करते थे तो गांधी जी ने सोचा हो कि ये बेहतर पीएम होंगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांधी जी का ये निर्णय बिल्कुल ही
उनके अपने विचारों और घोषणाओं के विरुद्ध था, क्योंकि नेहरू जी खुल के कह चुके थे कि आपकी किसी पॉलिसी से मेरी सहमति नहीं है। 1946 में बकायदा एक पत्र व्यवहार हुआ था जब गांधी जी ने यह शुरू किया कि अब चूंकि देश आजाद होने वाला है तो स्वतंत्र भारत की क्या क्या नीतियां हों, इस पर उन्होंने नेहरू जी को एक लंबा पत्र लिखा और नेहरू जी ने उसका जवाब दिया ये कहते हुए कि ये क्या ये सब बकवास आप कर रहे हैं, हम लोगों ने समझा था कि ये सब पीछे और रह गया आपका, वो हिंदू स्वराज वाला जो कचरा है आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने तो इसको कभी रखा नहीं कांग्रेस कमेटी में डिस्कशन के लिए, तो अभी आप ये क्या रख रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। कहने का मतलब ये है कि नेहरू जी गांधी जी के किसी भी बेसिक पॉलिसी से सहमत नहीं थे, चाहे वो ग्राम स्वराज हो या देसी शिक्षा हो या भाषा का प्रश्न हो या धर्म का मामला हो, फिर भी गांधी जी ने नेहरू को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तय किया, वो भी तब जबकि लोग नहीं चाहते थे। मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस वर्किंग कमिटी में नेहरू जी सेकंड पोजीशन पर भी नहीं थे, वो थर्ड पोजीशन पर थे, सेकंड पर कृपलानी थे, फर्स्ट पर पटेल थे। तो इतना बड़ा जो जनमत का पसंद थे, और ये सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ही नहीं थी, मेरे ख्याल से देश भर में जो कांग्रेस कमेटियां थी जिले की, उनमें भी अधिकांश कांग्रेस जिला कमेटियों ने पटेल के पक्ष में अपना मत दिया था। तो गांधी जी इस तरह से अपनी मनमानी करते थे, वो उनकी पुरानी आदत थी या परंपरा थी। लेकिन डिक्टेटर थे वैसे, अहिंसा के छद्मवेश में एक डिक्टेटर थे महात्मा गांधी, ऐसा मुझे लगता है। डिक्टेटर तो वो थे, वो तो श्री अरविंदो ने भी कहा है वो 1930s में कि वो तो प्योर डिक्टेटर है, कोई उनका विरोध करके कांग्रेस में रह नहीं सकता है, कम से कम इज्जत से नहीं रह सकता है। सुभाष बोस छोड़ के गई इसी, और भी लोग छोड़ गए, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन और भी कुछ लोग छोड़ के गए। तो गांधी जी में एक जो विनम्रता थी ना, वो बड़े क्या कहें, वो दिखावटी किस्म की थी, वो भीतर से बड़े संदेही और संकीर्ण थे। ये तो दिखता है, कोई बहुत ज्यादा कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी नहीं थी उनके, हिंद स्वराज पढ़िए तो उसी से पता चल जाता है। नहीं नहीं, वो तो उसमें तो एक दर्जन फैक्चुअल मिस्टेक्स है। जैसे अब जैसे उसमें वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने हथियारों से हिंदुस्तान को लिया, ये तो बिल्कुल बेकार बात है, हथियारों से तो वो कुछ ले ही नहीं सकते थे, हथियार तो बेकार चीज है, जबकि अंग्रेजों ने आर्म्स एक्ट बनाया, हिंदुस्तान को निशस्त्र करके ही उन्होंने शासन किया, और जब ये INA रिवोल्ट हुआ तो उन्होंने समझ लिया कि अब दिन हो गए हमारे जाने के और वो चले गए, उन्होंने निर्णय कर लिया। तो गांधी जी उसमें कहते हैं कि ये हथियार किसी काम के नहीं है ब्रिटिशों के लिए। दूसरा फैक्चुअल मिस्टेक है, वो कहते हैं कि नहीं हमने ही उनको शासन दिला, बुला करके शासन दिया, हम उसके लोभ में पड़ जाते थे, अंग्रेजों की चांदी देख करके हमारे लोग लोभ में पड़ जाते थे, इसीलिए उनका शासन हो गया। यह भी फैक्चुअली रॉन्ग है, अंग्रेजों ने बड़ी धूर्तता पूर्वक एक राजा दूसरे राजा को लड़ा करके, कभी इसको धोखा दे करके, कभी उसको सपोर्ट करके, धीरे धीरे भारत पर कब्जा किया, हथियार से कब्जा किया और छल से कब्जा किया। गांधी जी हिंद स्वराज में कहते हैं कि नहीं हमने लोभ से अंग्रेजों के पैसे के लोभ से हमने उनको शासन थमा दिया। फिर तीसरा फैक्चुअल एरर है, वो कहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान हमेशा से प्रेम से रहते आए थे और ये अंग्रेज जब से आए तब से ये झगड़ा शुरू हुआ। ये पूरे हिस्ट्री को फॉल्सिफाई कर रहे हैं, हिस्ट्री को फॉल्सिफाई कर रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो भी देश मिटे वो क्या अहिंसा, जो लोग जिन भी देशों ने अहिंसा का सहारा लिया वो बचे और जिन्होंने अहिंसा का सहारा लिया वो चले गए। अजीब अजीब तरह की बातें हैं, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन दर्जन भर फैक्चुअल एरर उसमें है हिंदू स्वराज जी। जी जी, चलिए हम बात कर रहे थे नेहरू जी की, तो अब समय काफी हो गया है, तो इससे पहले कि मैं प्रश्नों पर जाऊं, एक बार जो पूरा का पूरा उन्होंने फेलो ट्रैवलर ऑफ सोवियत फॉरेन पॉलिसी, इसके बारे में कोई 8 लेख हैं, इसमें 19 में से 8 केवल यही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ कह चले। वैसे भी मैं दर्शकों को बता दूं कि ये इन्होंने बाद में कंपाइल करके इसको छापी थी और इसको Volume 1 बोला था, Volume 2 लिखने से पहले वे चले गए। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि Volume 2 हम लोग इकट्ठा करके कुछ लिखे या
क्या वो चाहते थे या क्या उनकी विचारधारा थी, उसके हिसाब से इसको हम कंप्लीट करें। कंप्लीट तो इसको करना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट उन्होंने काफी बड़े काफी वॉल्यूमनस उनकी नोटिंग्स थी, ये उसमें उन्होंने लिखा है सेकेंड, ये या तो फर्स्ट प्रीफेस में या सेकेंड प्रीफेस में इस पुस्तक के, कि उनका आइडिया ये था कि फर्स्ट वॉल्यूम में उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज को लिया और जो उनकी इंटरनेशनलिज्म थी जिसमें उन्होंने हर जगह देश विदेश में सोवियत यूनियन और चाइना का सपोर्ट किया और हर मुद्दे पर सोवियत यूनियन के पक्ष में थे, बल्कि वो लिखते हैं सोवियत एडिक्ट थे, यहाँ तक कि सोवियत यूनियन जब शुरू में 49 वाले फेज में जब वो कम्युनिस्ट विद्रोह किया गया यहाँ कब्जा करने के लिए और पटेल ने उसको सप्रेस किया जबरदस्ती, तो सोवियत यूनियन में नेहरू को भी गालियां दी गई, वो पटेल के पापों के सहयोगी हैं, और वहां पर विजय लक्ष्मी पंडित इन राजदूत थी इंडियन एम्बेसडर मॉस्को में, उनको अपमानित किया गया, उनको फर्नीचर खरीदना था अपने ऑफिस के लिए, उनको फर्नीचर खरीदने नहीं दिया गया, उनको जाके यूरोप से लाना पड़ा फर्नीचर, और उसके बावजूद नेहरू जी सोवियत यूनियन का बचाव कर रहे थे, जबकि सोवियत सत्ता ने इंडियन एम्बेसडर को अपमानित किया जो संयोग से उनकी बहन भी थी, फिर भी नेहरू जी संसद में सोवियत यूनियन का बचाव कर रहे थे। स्टालिन के देहांत के बाद उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा का उन्होंने भाषण वगैरह दिया। तो इस तरह से जो नेहरू की जो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल पॉलिसीज थी वो इसमें है फर्स्ट वॉल्यूम में, और सेकेंड वॉल्यूम में सीताराम गोयल जी ने प्लान किया था वही अपने नोट्स लेकर के, चूंकि वो जो कहते हैं कि इस बीच जो उन्होंने उनके बाकी भाषण और राइटिंग्स और बुक्स जब पढ़े तो उन्होंने देखा कि ये तो आदमी पोर में कम्युनिस्ट है, तो उन्होंने कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों पर नोटिंग्स ली थी, और उनका इरादा था कि सेकेंड वॉल्यूम में नेहरू जी के इन सब विचारों को वो रखेंगे, संस्कृति पर, शिक्षा पर, इतिहास पर वगैरह वगैरह, जो वो नहीं कर पाए। लेकिन वो प्रीफेस में लिखते हैं कि वो उसमें काफ़ी उन्होंने बड़ी नोटिंग्स बनाई थी उसको लिखने के लिए, लेकिन वो दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया काम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे चैप्टर्स इसमें हैं उससे, और ये जो उन्होंने जो दो लंबे प्रीफेस लिखे हैं, फर्स्ट प्रीफेस और सेकंड प्रीफेस, जो बहुत ही उपयोगी हैं, एक में उसका बैकग्राउंडर है और सेकेंड में इस बीच की घटनाएं, मतलब 1963 से 93 के बीच की घटनाएं, कैसे भारत डेवलप हुआ, तो उसमें उन्होंने जो एक तरह से मैं क्या कहूँ समराइज किया है वो बहुत मूल्यवान है जो इस सारे चैप्टर्स में है। मुझे संक्षेप में लगता है कि वो इस तरह से है कि भारत में जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना है कि भारत में जितनी भी देश विरोधी और हिंदू विरोधी प्रवृत्ति है, तत्व है और शक्तियां हैं, उसके इनिशिएटर और गार्डियन ये पंडित नेहरू थे। वो कम्युनिज्म की किसी भी आलोचना पर नाराजगी वो व्यक्त करते थे और उसको रोकने की कोशिश करते थे, जो धीरे धीरे नेशनल एक तरह से मेनस्ट्रीम में आ गया। फिर पक्के कम्युनिस्ट होने के कारण वो आर्थिक नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां उसी नकल पर भारत में उन्होंने बनाने की कोशिश की, ये 5-year plan, ये योजना आयोग और हर तरह के मंत्रालय बना देना और हर जगह सरकार का अधिकार होगा, ये उन्होंने कम्युनिस्ट मॉडल की नकल से ही किया था। फिर जो मैं उल्लेख कर चुका हूँ कि भारतीय कम्युनिस्टों को जो रशिया और चाइना से जो इलीगल पैसा आता था उस पर उन्होंने नज़र बचाए रखी कि चलो वो चल रहा है, ठीक है, रहने दो। और सीताराम गोयल कहते हैं, और इस पर उन्होंने भी लिखा है, गिरिलाल जैन ने भी, कि भारत को इंटरनेशनली फ्रेंडलेस बना दिया, क्योंकि अमेरिका और यूरोप उन दोनों को इस बात की उम्मीद थी कि एक तरफ रशिया कम्युनिस्ट है और दूसरी तरफ चाइना कम्युनिस्ट हो गया तो बीच में तो एक इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक कंट्री यही है, तो भारत से बहुत उनको उम्मीदें थी। जैसा मैंने कहा कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को मेंबर बनाना चाहते थे, यूरोप भी, अमेरिका भी, और फॉर अदर रीजन USSR भी। बल्कि बुल्गानिन आए थे तो उन्होंने इस सब्जेक्ट को उठाया था और नेहरू जी ने उसको टाल दिया कि नहीं नहीं हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं। तो अंततः भारत इंटरनेशनली मित्रविहीन हो गया, हेल्पलेस हो गया। फिर इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने कमिटेड पार्टी, कमिटेड नौकरशाही, कमिटेड प्रेस, कमिटेड पार्लियामेंट आदि की डिमांड की, मतलब जो कम्युनिस्ट देशों में है कि ये सब संस्थाएं फ्री नहीं रहेंगी। और उसका आज भी हम देखते हैं दुष्प्रभाव कि पार्टियां जो हैं हमारी पार्टियां कम्युनिस्ट मॉडल पर चलती हैं, पार्टी डिसिप्लिन, लीडर की मनमानी, और उसी तरह से नौकरशाही, प्रेस, संसद में जो कमिटेड
उसको मतलब नेता के प्रति कमिटेड होना चाहिए, शासक के प्रति कमिटेड होना चाहिए, ये डिमांड थी, ये नेहरू जी से शुरू हुई। तो और फिर ये कम्युनिज्म के नकल के कारण दिनों दिन नेहरू जी और उनके ये जो लेफ्टिस्ट एलीट है, देश का जो अभिजात एलीट है, वो देसी समाज से और संस्कृति से दिनों दिन दूर होता गया, और वे हर तरह से देश में हिंदू समाज, और क्योंकि हिंदू समाज और राष्ट्रीय समाज एक ही था, अभी भी एक ही है, तो एक तरह से उसका विखंडन करने वाले जितने तत्व हैं, जितने नारे हैं, जितने संस्थाएं हैं, जितने मूवमेंट हैं, उसको वो प्रोटेक्शन देते हैं, उसको वो बढ़ावा देते हैं। ये नेहरू जी से शुरू हुआ, जो आज एक तरह से स्थापित प्रवृत्ति बन गई है कि लोगों को रूटलेस बनाना और अपने कल्चरल मूरिंग से अलग करना। तो इस तरह से सीताराम गोयल कहते हैं कि जितने साम्राज्यवादी विचार हैं, तीन बल्कि चार, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ये वाइट मैंस बर्डन, कि भाई ये पिछड़े हुए लोगों को, यूरोप को सभी करना है, ये उनके सिर पर बड़ा भार है, तो ये वाइट मैंस बर्डन और कम्युनिज्म, इन चारों के एक तरह से साकार रूप थे नेहरू जी, ये सीताराम गोयल कहते हैं। और इन सब अध्यायों में उन्होंने यही कहा कि एक तरह से वो प्रोटेक्ट, वो इसके इनिशिएटर थे कई चीजों के, और उनकी ही पुस्तकों में जो इस्लाम के बारे में और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जिस तरह की बातें कही गई हैं, उसी को फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने आगे करके धीरे धीरे पूरी शिक्षा का वो में हिस्ट्री का, इतिहास का मिथ्याकरण कर दिया। तो नेहरू जी से ये शुरू हुआ, और ये भ्रष्टाचार को भी हल्के से लेना, और ये सोशलिस्ट प्लानिंग के तहत और सोशलिज्म के कारण भ्रष्टाचार का बहुत एक तरह से गंगोत्री बहने लगी। ये लोग ठीक से संक्षेप में समझना मुश्किल है कि समाजवाद से भ्रष्टाचार का क्या संबंध है, लेकिन फिलिप स्प्रेट ने इस पर लिखा है, और ये सोवियत सोशलिस्ट देशों के उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि जब स्टेट फुल्ली सब चीज को कंट्रोल में कर ले तो भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं होता, भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि वो जिसको क्रोनी कैपिटलिस्ट कहते हैं या अवसरवादी उद्यमी कहते हैं, व्यापारी कहते हैं, वो लोग चिपटते हैं, और नेताओं और व्यापारियों के बीच और इंडस्ट्रियलिस्ट और लीडर्स के बीच ये भ्रष्टाचार का एक गोरख धंधा चलता है जम करके, जो कि यूरोप अमेरिका में नहीं है लेकिन भारत में है। तो सीताराम गोयल और फिलिप स्प्रेट कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार को हल्के से लेना, बल्कि इसका एक इंटरेस्टिंग प्रसंग है 62 का, शायद लोगों को रोचक लगेगा। उस समय मोरारजी देसाई थे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस समय जब ये चाइना का अटैक हुआ और ये वातावरण बनने लगा, तो बहुत सी चाइनीज संस्थाओं पर की जांच पड़ताल होने लगी, तो उसमें बैंक ऑफ चाइना भी था यहाँ, तो बैंक ऑफ चाइना को जब खंगाला गया तो उसमें नेहरू जी का भी एक खाता था, जिसमें नेहरू जी अपने पुस्तक की रॉयल्टी वाले पैसे वगैरह रखते थे, लेकिन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस पैसे को वो शो नहीं करते थे नेहरू जी। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ये थे मोरारजी देसाई, तो ये सीनियर जर्नलिस्ट थे राजेंद्र पुरी, अभी 5 साल पहले उनका देहांत हुआ है, और वो हिंदुस्तान टाइम्स में उसमें कार्टूनिस्ट थे। तो उन्होंने बाद में प्राइवेटली पूछा किसी मीटिंग में मोरारजी देसाई से कि आपने इसको देश को क्यों नहीं बताया कि नेहरू जी का वहाँ खाता है बैंक ऑफ चाइना में, इंडिया में, ये दिल्ली के ब्रांच में, और उस पैसे को वो शो नहीं करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि नहीं नहीं, वो बताना देश हित में नहीं होता, इसलिए नहीं बताया गया। तो ये उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये करप्शन को नेहरू जी सीरियसली नहीं लेते थे, वो समझते थे कि ये तो पुरजुआ बीमारी है, तो जब तक कैपिटलिज्म रहेगा तो ये तो खत्म हो नहीं सकता। तो इसके कारण इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जिससे आज हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी हो या इंडस्ट्री हो या एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। तो किसी न किसी रूप में ये समाजवाद से जुड़ा हुआ रोग है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो ये नेहरूवाद का जो दुष्प्रभाव है ना, वो एक बड़ा गहरा विषय है, और मुझे लगता है कि कभी इस पर अलग से भी चर्चा करनी चाहिए कि नेहरूवाद ने भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को और ये इंटेलेक्चुअल सिस्टम को, एजुकेशन को कितनी बुरी तरह प्रभावित किया। और इसका एक कारण है, ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब कोई संस्था पहले बनती है तो शुरू शुरू में जो उसके लीक पड़ जाती है, जो ग्रुप्स बन जाते हैं, वो बड़े परमानेंट टाइप होते हैं। तो चूंकि नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कम्युनिटेड कम्युनिस्ट थे, और 18 साल वो रहे,
तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि धीरे धीरे सारी पार्टियां, सारे लोग और एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स उसी ग्रूव में पड़ गया जो आज भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके ऊपर मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो अभी मैं जो सेकंड प्रेफेस लिखा है सीताराम गोयल जी ने, उसको एक फाउंडेशन लेके और उसके ऊपर चर्चा करते हुए ये सारे विषय जो हैं, नेहरूवाद का क्या प्रभाव हुआ और आज भी क्या प्रभाव चल रहा है। आज भी आप देख सकते हैं कि नेहरूवाद जो है किसी न किसी रूप में आज की जो शासक की पार्टी है वो यद्यपि नेहरू जी को नकारती रहती है, लेकिन नेहरूवाद को पूरी तरह से उसने प्रश्न दे रखा, आलिंगन कर रखा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पे अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। कोनराड जी तो जुड़ नहीं पाया, पता नहीं क्या समस्या आ गई। प्रश्नों में चलते हैं। सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्रिप्शन जो भी लोग देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सिर्फ 49 सब्सक्राइबर और चाहिए 2.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए, क्वार्टर ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर करने के लिए। तो आप लोग करेंगे तो आज ही हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। जी विक्रम जी कह रहे हैं, सब गुरुओं को भारतीय जनसंघ का वो हवाबाज नेता कौन था जिसके बारे में सीताराम जी ने बहुत खरी खोटी लिखी है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। नहीं, मैंने तो बताया ही, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अच्छा भाषण देते थे और जिसको कहते हैं ना, बहुत शब्द जाल उनका बढ़िया होता था, तो हवाबाज शब्द कहते, उन्होंने नाम नहीं दिया है, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं, संघ में भी लोग जानते हैं, बीजेपी में भी लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से ये उनका पूछ रहे हैं जिनसे लगातार वो भेंट करते थे और एक दिन अचानक वो पलट गए, वो कौन थे? मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद एकनाथ जी थे, एकनाथ प्रणाली के। हाँ शायद, क्योंकि वो वही थे कलकत्ता में जब पहली बार जब इन्होंने कम्युनिज्म पर अपना प्रकाशन शुरू किया, प्राची प्रकाशन वाला, तो उस समय कलकत्ता में एकनाथ जी ही थे। तो बल्कि ये भी एक बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग है कि ये वॉइस ऑफ इंडिया इस उनके कारण ही बनी, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास तो लिखने वाले लोग नहीं हैं, आप लिखिए और हम उसको फैलाएंगे। बेचारे सीताराम गोयल जी सीधे साधे आदमी थे, इन्होंने बहुत सीरियसली लिया। तो इन्होंने जब जो 2-3 पुस्तकें तैयार की तो इसको ले करके उनके पास गए कि लीजिए मैंने लिखा, और ये इसका वर्णन उन्होंने दिया है सीताराम गोयल जी ने उसकी भूमिका में, शक्तिपुत्र शिवाजी, वो किंकेड की जो पुस्तक है उसका अनुवाद जो उन्होंने किया था, शक्तिपुत्र शिवाजी, शिवाजी शिवाजी पर एक किंकेड, वो अंग्रेज अफसर था जिसने ये सम किंकेड, अल्बर्ट किंकेड या रॉबर्ट किंकेड, किंकेड वो 32 वर्ष की आयु में ही उनके देहांत हो गया था, और भी कम आयु में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी जीवनी लिखी थी शिवाजी की, तो उसका अनुवाद सीताराम गोयल ने किया था। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने ये पूरी कहानी दी है, उसमें शायद नाम भी है, पता नहीं है नाम है या नहीं, उसमें वही है कि जब ये इन्होंने 2-3 पुस्तकें इंपॉर्टेंट लिखी और वो उनके पास ले गए कि आपने कहा था कि आप लिखिए और हम अपने कार्यकर्ताओं और देश में फैलाएंगे, तो उन्होंने उनको घूर के देखा, कहा कि RSS इसीलिए बना है कि तुम्हारी किताबें बेचेगा, तो बेचारे इनको फिर धक्का लगा, कह रहे भाई आप ही ने तो कहा था लिखने के लिए। तो खैर, तो उस समय तो उनके पास कोई उपाय नहीं था, तो ये इनके गुरुदत्त जी मित्र थे भारतीय साहित्य सदन वाले, इन्होंने एक दो पुस्तक प्रकाशित की, तो फिर ये आर्थिक स्थिति खराब थी इसलिए इन्होंने बंद कर दिया, जो मैंने कहा कि कितना बड़ा दुखद लॉस हुआ हमारा कि 16-17 साल तक सीताराम गोयल जैसा बड़ा स्कॉलर जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो गया था 50s में ही, और नेहरू कैबिनेट के आधे दर्जन लोग उनको जानते थे, नेहरू जी स्वयं उनको रोकने के लिए उन्होंने सीधे और घुमा करके दबाव डाला, वो ऐसे व्यक्ति को अपनी स्कॉलरशिप छोड़ करके 16-17 साल परिवार के लिए काम धंधा करना पड़ा बंद करके, और जब बच्चे बड़े हो गए, जब उन्होंने काम संभाल लिया, तब जा करके 1981 से उन्होंने ये वॉइस ऑफ इंडिया शुरू की। चूँकि RSS के वो जो नेता थे उन्होंने डिच कर दिया इनको,
तो उन्होंने उनको वॉइस ऑफ इंडिया इन्होंने बनाया। जब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, इनको कुछ मित्रों ने भी सहयोग किया, कुछ उधार भी इन्होंने लिया, तो इस तरह से वॉइस ऑफ इंडिया शुरू हुई। नहीं तो इनका कोई विचार ऐसा नहीं था, ये तो स्कॉलर थे, तो स्कॉलर तो चाहता है कि उसको कोई दूसरा पब्लिश करे, देखे, ये अपना रिसर्च करे, लिखे। लेकिन सीताराम गोयल को दोनों काम करना पड़ा जी। नेक्स्ट अभिषेक आनंद, ओरेटरी असाइड एनीथिंग वर्थ एडमिरेशन इन नेहरू? लिटरेरी स्टाइल वो अच्छा लिखते थे, कवि हृदय आदमी थे। आप अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो जैसे आज भी बिहार यूपी के लड़के, उड़ीसा के लड़के यूपीएससी करना चाहते हैं, वो भी आईसीएस बनने की कल्पना करते थे, इससे अधिक उनकी कोई कल्पना नहीं थी इंग्लैंड में। और वो ऐसे ही जो धनी बाप के बेटे जैसे जो सब करते हैं वो नेहरू जी भी करते थे। तो इनके मन में आपको नेहरू जी एकमात्र व्यक्ति मिलेंगे फ्रीडम मूवमेंट में जो लंदन में रहते हुए इनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, बाकी सबकी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, नेहरू जी की नहीं थी। लेकिन हाँ, ये कवि हृदय आदमी थे, टेनिसन और बायरन की कविताएं पढ़ते थे और खुद भी लिखते थे, तो मुझे लगता है उनकी लिटरेरी स्टाइल अच्छी है। अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अभिषेक आनंद, उस समाज को क्या कहेंगे जो नेहरू को पीएम चुनता रहा? ये बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं चर्चा करना भूल गया, थैंक यू आपका इस सवाल के लिए। ये इसकी सेकंड प्रीफेस में सीताराम गोयल जी ने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है कि नेहरू जी क्या भारतीय समाज के उत्पाद थे या नेहरू जी के कारण ये सब हुआ। बहुत सीरियसली उस क्वेश्चन को रखते हैं कि जो भारत के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी, हिंदू ट्रेडिशन, और जो भारत का जो एलीट था, इंटेलेक्चुअल एलीट और जो उच्च वर्ग, उसको नेहरू ने प्रभावित किया, नेहरू परिवार ने प्रभावित किया, या इसके कारण नेहरू बने? और जो सीताराम गोयल का निष्कर्ष है वो यही है जो अभिषेक जी ने कहा है कि भारतीय समाज पहले से कमजोर हो गया था, हिंदू इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पहले से कमजोर हो गया था, इसीलिए उसको ये कुछ हीन भावना में, कुछ अज्ञान में, कुछ आराम पसंदगी में, इन तीनों कारणों से उनको नेहरू जी जैसे लीडर ज्यादा स्वीकार्य लगे। ये सीताराम गोयल का कहना है जी। जैसे आजकल बंगालियों को ममता बनर्जी अधिक स्वीकार्य लगती, बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को। डिफेंस ऑफ हिंदूज, मनोरंजन जगत में जब सरकारी ऑफिस, थाने, अदालत का सीन आता है तो नेहरू और इंदिरा की तस्वीर रहती है, क्यों बीजेपी 7 वर्षों में यह भी चेंज नहीं कर पाई? देखिए, कायदे से तो किसी का नहीं रहना चाहिए। जैसा मैंने हिंट किया कि ये सोवियत और चाइनीज कम्युनिज्म का असर है, दुनिया के किसी देश में, यूरोपियन लोकतंत्र में, अमेरिकन लोकतंत्र में, लीडरों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, पार्टी को इतना महत्व नहीं दिया जाता, उनके नाम पर इतनी बिल्डिंगें, रोड, चौराहे, सड़कें, शहर, ये सब नहीं बनते। ये कम्युनिस्ट देशों में था कि लेनिन के नाम पर सड़क है, लेनिन के नाम पर चौराहा है, स्टालिन के नाम पर सब कुछ है। तो भारत में जो नेहरू, इंदिरा, राजीव और अब इधर से पिछले 10-15 सालों में जो ये चल रहा है, अटल, दीनदयाल वगैरह, ये उसका नकल है, ये कम्युनिस्ट नकल है। तो मेरे ख्याल से तो ये किसी का नहीं रहना चाहिए। क्यों लोगों को आप, क्यों सरकारी ऑफिसों को एक लीडर के साथ बांधना चाहते हैं? नेक्स्ट आशीष दहान, वाई गांधी नेहरू ब्रिंग अंबेडकर इन मिनिस्ट्री इवन व्हेन ही लॉस्ट इलेक्शंस एज अंबेडकर वाज वर्किंग फॉर ब्रिटिश टू डिवाइड हिंदूज फ्रॉम दलित्स? इसमें एक थोड़ी सी फैक्चुअल गलती है, ऐसा ये सही नहीं है जो आपकी आखिरी बात है वो सही नहीं है। अगर आप अंबेडकर को पढ़ें, उनकी पुस्तकें, जो जिस विषय पर उनको जानकारी नहीं थी उसमें जो लिखा है उन्होंने, उसमें जरूर गलती है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो उन्होंने लिखा है उसमें आप कहीं उंगली नहीं रख सकते। वो बड़े देशभक्त किस्म के व्यक्ति थे, वो उनमें उनके ऊपर ये आरोप मुझे ठीक नहीं लगता। हालांकि मैं प्रमाणिक रूप से मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जहां तक पहला आपके प्रश्न का पहला हिस्सा है, तो नेहरू नहीं चाहते थे अम्बेडकर को, गांधी जी ने उनको कहा कि आप इनको लीजिए। वो गांधी जी के कहने से अम्बेडकर को नेहरू जी ने लिया था और बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ये सही डिसीजन था।
करेक्ट। और वैसे भी मैं भी लगभग 70-75% अंबेडकर की जो रचनाएं हैं उनसे सहमत रहता हूँ। उनकी कुछ अन्य रचनाएं जो हैं जो उन्होंने सीधे सीधे जिसमें संस्कृत का ज्ञान आवश्यक था वहाँ उनसे काफ़ी गलतियाँ हुई। हाँ उनसे, और उन्होंने बाद में एडमिट भी किया, उन्होंने स्वयं कहा कि मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये रही है कि मुझे संस्कृत नहीं आई, संस्कृत नहीं आती। हाँ जी, शंकर जी हैज एक्सीलेंट नॉलेज। कार्तिक जी कह रहे हैं यूएसएसआर यूज्ड टू ट्रीट देयर गेस्ट्स विद प्रोस्टिट्यूट्स एंड ब्राइब्स, नेहरू वाज करप्ट एंड कैरेक्टरलेस, नॉट रियली कम्युनिस्ट। ये तो अनुमान का विषय है, लेकिन हाँ ये तो आज से नहीं प्राचीन काल से कहा जा रहा है कि भाई जब आप गुप्तचरों को रखते हैं तो जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं सूचना लेने के लिए या अपने दूसरे देश के राजकीय कर्मचारियों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, तो उसमें इन सब चीजों का प्रयोग तो होता ही है। जी, नेक्स्ट सर, आई एम 18 ईयर ओल्ड, आई एम स्टूडेंट शंकर शरण एंड राजीव मिश्रा यूनिवर्सिटी। भाई मैं कहूंगा आप अपने आदर्शों को थोड़ा ऊंचे ले जाइए। महाभारत कह रहे क्या 1946 चुनाव में कांग्रेस की जीत अंग्रेजों ने किया एक फ्रॉड था, सावरकर जैसे तेजस्वी नेता की इतनी बुरी है। सावरकर जी के पास संगठन नहीं था ना, चुनाव तो संगठन से जीते जाते हैं, संगठन यदि आपका प्रभावशाली होगा, संगठन तो केवल कांग्रेस के पास था और उधर मुस्लिम लीग ने अपना संगठन बनाया था आपके वो पूरे जो बरेलवी जमात थी उसके सारे, और किसके पास संगठन था, हिंदू महासभा के पास संगठन नहीं था। नेक्स्ट गौरी धानी, सीताराम गोयल जी इज वन ऑफ द सेवियर ऑफ हिंदुइज्म फॉर फ्यूचर जनरेशंस इवन दो हिज कंटेंपरेरीज ट्राइड डिस्ट्रॉइंग हिज इमेज, आई हैव वन सजेशन, प्लीज डू वन सेशन ऑन मार्क्सवाद और रामराज इफ पॉसिबल रिटन बाय श्री करपात्री जी महाराज। पुस्तक है तो मेरे पास लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि अब वो दौर हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। मार्क्स करपात्री जी ने जिस समय लिखा था उस समय मार्क्सवाद दुनिया में एक प्रबल विचारधारा के मतवाद के रूप में स्थापित था, और जो उसके तत्व थे उसकी जो विवेचना उन्होंने की है उससे काफ़ी फिर उसके बाद काफ़ी गहरी आलोचनाएं समालोचनाएं हो चुकी और अब वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया। तो मेरा अपना सुझाव ये होगा कि आज जो लेफ्टिज्म जिस रूप में है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। करपात्री जी ने जो किया था अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम, बड़ा काम किया था, क्योंकि उस समय लोग ऐसा नहीं करते थे। आज मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग कम्युनिज्म की खूब निंदा करते हैं जब कम्युनिज्म खत्म हो गया, और इस पर नायपाल ने उंगली रखी है कि जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो आप उसके खिलाफ वीर बनने लगते हैं, जिस समय वो सामने प्रहार कर रही होती उस समय आप वो छिपाते हैं। तो आज जो ताकतें भारत पर प्रहार कर रही हैं, हिंदू समाज पर प्रहार कर रही हैं, उस पर केंद्रित करना शायद ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो आपने पहली बात कही वो बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि सीताराम गोयल की तुलना रूस में एक ज़माने में सोल्जेनित्सिन ने जो काम किया उससे की जा सकती है, कि जिस समय हवा का रुख बिल्कुल उल्टा था उस समय सच बोलना और अपने आप को रिडिकुल, कष्ट, परेशानी, दंड के लिए प्रस्तुत रखना, ये एक बहुत बड़ा काम था जो सीताराम गोयल ने उसी तरह किया जैसे सोल्जेनित्सिन ने रूस में किया था। जी, नेक्स्ट विनोद स्वामी, नेहरू जिन्ना और अब्दुल्ला की शक्ल मिलना संयोग है। भाई जिन्ना की तो किसी तरह से नहीं मिलती, मैं तो सहमत नहीं हूँ आपसे। नेक्स्ट गणेश मविलापल्ली, मोदी इज नो डिफरेंट टू नेहरू इन पुटिंग सेल्फ ओवर कंट्रीज इंटरेस्ट एंड हैविंग रबर स्टैम्प्स अराउंड, व्हाट इज योर टेक? इट इज फॉर यू सर। इस पर आप ही बोले, मेरे लिए उचित नहीं है। नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि नेहरू जी पूरी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, लेकिन मोदी जी कम्युनिस्ट विचारधारा के तो नहीं कहे जाएंगे।
लेकिन एक चीज हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं कई बार कहता हूँ ना कि जब हम समाजवाद की निंदा करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भारतीय जो परंपरा है उसमें राजधर्म और समाज धर्म का, जो राजधर्म है उसमें राजा के समाज के प्रति जो कर्तव्य लिखे हुए हैं, यदि आप अर्थशास्त्र भी पढ़े उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो आजकल का जो वेलफेयरिज्म है उससे बहुत अधिक अंतर नहीं है उसके अंदर। कई बार ही मैं कहता रहा हूं, इसीलिए यहां पर लेफ्ट और राइट का जो भेद है वो कई बार गड्ढमड्ढ हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि जो भारतीय परंपरा है जिसको हम इंडिक कह सकते हैं या धार्मिक कह सकते हैं, उसमें दोनों ओर की अच्छाइयों का सम्मिश्रण है। तो जो भी समालोचना करें वो इस दृष्टि से करें, तब मेरे ख्याल से तब हम एक सही निर्णय पर पहुंच सकेंगे। Why was people's referendum whole of British India not demanded to decide such a big decision as partition? जल्दी थी। नेहरू जी ने इसका जवाब दिया है, वो लोहिया की पुस्तक है Guilty Men of India's Partition। हाँ 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 है मेरे पास वो, देखी पड़ी है मैंने। लोहिया जी ने लिखा है कि उसी में, बल्कि किसी का कोई इंटरव्यू है नेहरू जी का, वो कोटेड है कि नेहरू जी से जब पूछा गया कि आपने इसको क्यों स्वीकार कर लिया, अंग्रेज तो हर हालत में 48 में जाने ही वाले थे और पार्टीशन आप नहीं स्वीकार करते तो भी भारत आजाद होता, तो नेहरू जी ने जवाब दिया कि हम लोग अब थक गए थे, अब जेल वेल जाने का किस हिम्मत नहीं रह गई थी, इसलिए भी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। कमाल है। उनको सत्ता चाहिए थी, उनको लग रहा था वो अभी पक्की मिली जा रही है हाथों हाथ, उसको तुरंत ले लो। सिद्धार्थ रवि कुमार, क्वेश्चन फॉर शंकर जी, डू यू नो ऑफ एनी एविडेंस फॉर इंडिपेंडेंस इरा कांग्रेस मॉडरेट्स एंड देयर सक्सेसर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम द ब्रिटिश एग्जिट इन एक्सचेंज फॉर देयर कोलैबोरेशन? आई एम अ टैमिलियन ट्राइंग टू लर्न हिंदी, सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर इन हिंदी। देखिए, मुझे लगता है कि I have not come across any evidence of collaboration. And I think had it been a definitive collaboration between the British and the Indian leaders, some document, some reminiscences, something must have come by now, because it is more than 70 years. And in the European tradition, American tradition, if something important has happened decades ago, with the connivance of the rulers, then some or other evidence must come up later on. And they declassify so many documents. And the British style of functioning was always mostly formal. They were very formal people. They still are. So we do not find any document, any letter exchange, which may say that there was any definitive kind of systematic collaboration between Indian leaders and the British leaders. तो मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू जी और किसी और के बीच भी अगर कुछ किसी के साथ रहा हो तो वो इनफॉर्मल थोड़ा बहुत रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको कहें कि अंग्रेजों के साथ कोलोबरेशन करके इन्होंने किया। क्या ज़रूरत थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहले ही घोषित कर दिया था, वो डेट भी थी कि दिस इज द डेडलाइन बिफोर वी विल लीव इंडिया। There was no need for any collaboration. तो मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, आप देखिए सर। जी नहीं, मेरे पास भी ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अवश्य थोड़ी बहुत, उसमें भी मुख्यतः नेहरू जी का ही पात्र आता है, और तो कोई किसी का नहीं आता। बाकी सब लोगों का करेक्ट मतलब इमेज वैसी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद, पटेल। अगला प्रश्न। ठाकुर जयपाल शरण जी, नेहरू जी बार बार लंदन क्यों जाते थे? क्या वो रूमर्स था या सत्य है? आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है। नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप लोग अपने प्रश्न जो है, जो विषय है, उसी पर रखें। सर, अम्बेडकर जी को कैसे समझे हम? वो संस्कृत को सपोर्ट करते थे बट हिंदू राष्ट्र को बिग कलेमिटी बताते थे। आज उनकी इमेज यूज होती है एंटी हिंदू में। देखिए, मुझे लगता है अम्बेडकर ही नहीं, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अगर उसने लिखा है
तो उसकी अपनी राइटिंग्स पढ़ें। उसकी अपनी राइटिंग्स में कभी कभी आपको वो छिपी बात भी मिल जाएगी जो अदरवाइज नहीं मालूम होती है। मैंने जितना डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे और पक्के देशभक्त थे और हिंदू विरोधी भी नहीं थे, बल्कि उनकी जो वो पाकिस्तान वाली पुस्तक है जो 1940 में उन्होंने लिखी थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें तो वो विस्तार से हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं और इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं और हिंदुइज्म को डिफेंड करते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। तो किसी कहीं पर उन्होंने लिखा भी है कि लोग मुझे दोनों तरफ से मुझे या तीनों तरफ से मुझे निंदा मिलती है, लेकिन वो इसलिए मिलती है कि मेरे सामने अपना देश है, अपनी जनता है, उसके हित में मैं जो उचित समझता हूँ वही करता हूँ, और इसके लिए मैं गांधी या जिन्ना या नेहरू मैं किसी की परवाह नहीं करता। मुझे लगता है इट इज ट्रूथफुल। जी नेक्स्ट, इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते। शंकर शरण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोनराड जी का चैट पर मैसेज हमने देख लिया था कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शंकर शरण जी जो है वो पूरे विषय का निष्पादन उचित रूप से कर रहे हैं, तो शंकर शरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमारे जो टोटल फॉलोअर्स हैं अभी थोड़ी देर पहले वो 250,000 को पार हो गए। अरे वाह, धन्यवाद, बधाई हो भाई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, जय हिंद।